कार्यक्रम का संचालन यहाँ से हो रहा है, जो आपका मकसद है वो एक ना एक दिन जरूर पूरा होगा। मैं आप लोगों से अपनी तरफ से और संस्था की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। आगे बढ़ जाओ, एक नाम आपने जो कि सबने सुना है, किसको नहीं मालूम हो अभी सबको मालूम हो जाएगा, एक नाम क्या है, महेंद्र पासवान। इस नाम को आप लोगों ने सबने सुन लिया है और देख लिया है ना, किसने इस नाम को, इस शख्स को आप पहचान लीजिए और साफ हो जाइए। इसी नाम के साथ ही आपका कल्याण होगा, आपके मकसद की पूर्ति होगी। ये महेंद्र पासवान जो कि मानव न्याय समिति के संस्थापक भी हैं और महासचिव भी हैं, एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ नेक और कार्यशील व्यक्ति हैं। इनकी एक जनजात योजना है, देश का विकास, इनकी अपनी एक योजना है। अगर देश का विकास करना है तो सबसे पहले इन गरीबों का विकास करना पड़ेगा, उसके बाद इन गरीबों को एक रोजगार देना पड़ेगा, चाहे वो छोटी नौकरी हो चाहे कोई धंधा हो कुछ हो, इनको सुरक्षा देनी पड़ेगी, इनको स्वास्थ्य की सुविधा देनी पड़ेगी, इनको शिक्षा देनी पड़ेगी, जो भी है उसके अलावा इन सब के साथ साथ इनको एक अपना मकान देना पड़ेगा, तब हमारे देश का विकास हो पाएगा। ये महेंद्र पासवान की अपनी योजना है और इस नाम के साथ आप जुड़े रहिए, आपके इन सारे मुद्दों की पूर्ति होगी। देखो हर चीज में समय लगता है, अगर किसी चीज को ठान लो तो उसमें धैर्यता की जरूरत होती है, समय की जरूरत होती है और काम करने की जरूरत होती है। और ये चीज भले ना दिखाई देता हो ये काम पूरा होगा या नहीं पूरा होगा, लेकिन काम के अंदर ये चीज जरूर छुपा होता है कि काम जरूर पूरा होता है। हर चीज में एक संभावना होती है, हर काम में हर मकसद में एक संभावना होती है, वो काम जरूर पूरा होता है, समय भले लगता है। जो जिस मुद्दे पर जिस मकसद पर आप लोग यहाँ आए हुए हो वो मकसद एक ना एक दिन जरूर पूरा होगा। आगे हम कुछ कहने के पहले एक आपको हम कहानी सुनाते हैं। कितने लोगों ने आचार्य चाणक्य का नाम सुना हुआ है? आचार्य चाणक्य का नाम कितने लोगों ने सुना हुआ है? अगर नहीं सुना है तो आचार्य चाणक्य का नाम आप जान लीजिए, वो बिहार के रहने वाले थे, नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार का है वो नालंदा विश्वविद्यालय उन्हीं का है, वहां पर एक वो शिक्षक थे और भी वो मौर्य साम्राज्य में उनके महामंत्री थे, तो आचार्य थे और बच्चों को शिक्षा देते थे। उन्होंने एक दिन अपने बच्चों को एक दलिया दिया, डलिया जो बांस की बनी होती है या फट्टे की बनी होती है, डलिया दिया सभी बच्चों को, उसमें छेद भी होता है सब कुछ होता है। उन्होंने कहा कि जाओ नदी से पानी भर के ले आओ, और सब बच्चे गए वहां पर नदी में पानी भरे तो उसमें डलिया में तो पानी गिर जाए। बहुत कोशिश किए, पानी गिरता ही गया, जब पानी नहीं भरा सारे बच्चे लौट करके आगे आचार्य चाणक्य के पास कि गुरु जी इसमें तो पानी भरा ही नहीं जा रहा है, कुछ भी जा रहा है। लेकिन उसमें एक जो बच्चा था वो लगा रहा उसी में लगा रहा, पानी भरता रहा नदी में, शाम तक हो गई। आपने देखा होगा कि बांस के
या कुछ ले, अगर उसको बार बार आप उसको पानी में डुबाओगे या डुबाए रखोगे तो फैल जाती है। वो डुबाते डुबाते शाम को फैल गई, वो पानी भर करके ले आया और गुरु जी को दिया। गुरु जी ने यह कहा कि अगर किसी मकसद को प्राप्त करना है तो बार बार कोशिश करनी होती है, उसमें समय लगाना होता है। मकसद की पूर्ति ऐसे जल्दी से नहीं हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे महेंद्र पासवान जी हैं, इनसे हमारा संपर्क कम से कम 20 साल से है। मैं इनको देख रहा हूं कि 20 साल से ये गरीबों की भलाई के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए ये लड़ते चले आ रहे हैं। इनकी अपनी योजना है, अगर हमें देश का विकास करना है तो सबसे पहले इन गरीबों का विकास करना पड़ेगा। और देख रहे हैं कि देश में सबसे गरीब कौन है, सबसे गरीब कौन है जो कि एक छोटी नौकरी करता है और किराए के मकान में रहता है। सबसे गरीब वही है, छोटा काम करता है, मजदूर है, छोटी नौकरी करता है और किराए पर भी रहता है। जो अपने काम धंधे से उसको आमदनी होती है या नौकरी से जो भी पगार मिलती है, ये उसका बड़ा भाग वो किराए में दे देता है। तो महेंद्र पासवान ने इस चीज को समझा कि अगर हम इन गरीबों को मकान दिलवा देते हैं, अगर इन गरीबों के पास अपना एक मकान हो जाता है तो जो अपनी कमाई का पैसा एक किराए में दे देते हैं, उस उनके किराए का पैसा उनको बचत होगी और उसे अपने परिवार का पालन करेंगे, अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, अपने बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य देंगे, अच्छी सुविधाएं देंगे, तो उनके पास एक अच्छी बचत होने लगेगी। ये हमारे महेंद्र पासवान जी की एक योजना है। इस योजना के मद्देनजर ये इस संस्था को बना करके उन्होंने 2014 से इस आंदोलन को छेड़ रखा है। सरकार से बराबर उन्होंने मांग करते चले आ रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं बार बार, लेकिन जो हमारी सरकार है, हमारी सरकार की नीतियां क्या है, हमारी सरकार की नीतियां है ये है कि गरीबों का दमन, अमीरों का उत्थान। इसलिए हमारी बातों को, इन महेंद्र पासवान की बातों को सुना नहीं जा रहा है, क्योंकि तो सरकार की नीतियां ही है कि अमीरों का भला, गरीबों का अनभला। तो इससे हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, रातों घर बैठने की जरूरत है कि चलो ठीक है यार, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मकसद आपका जरूर पूरा होगा। देखो महेंद्र पासवान जी जो है एक छोटे परिवार से आए हुए हैं, आपकी तरह ही एक छोटा काम धंधा करते हुए हैं, ये भी आपकी तरह ही रह चुके हैं, ये आपकी तरह ही हर दुख दर्द को झेल चुके हैं, हर दुख दर्द को झेल चुके हैं। देखो जो जिस रास्ते से गुजरा है उस रास्ते को वही बना सकता है जिस रास्ते से वो गुजरा है। जो आदमी जिस रास्ते से गुजरा ही नहीं है उस रास्ते को वो क्या बना सकता है। हमारे आज तक जितने भी सरकारें आई हैं, जितने भी उसमें मुख्यमंत्री हुए हैं या प्रधानमंत्री हुए हैं, वो सब भी कोई भी आदमी गरीब परिवार से नहीं आया हुआ है, वो आपकी तरह ही वो किसी भी गरीबी को नहीं झेला है। इसलिए इसका जो समाधान है, जो जिस रास्ते से आया है उसका ही समाधान हो सकता है।